Good afternoon, students. Today we are going to start lesson number 20, and name of this lesson is classification. So students, first of all, take out your general knowledge workbook and open your workbook page number 42. जैसे कि देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको आपकी general knowledge की book निकालनी है और book की page number 42 निकालनी है. जैसे कि आज हम 20 नंबर के लेसन को शुरुआत करने जा रहे हैं और उस लेसन का नाम है क्लासिफिकेशन. जैसे कि देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन को मराठी में कहते हैं वर्गीकरण. जैसे कि इस लेसन में कुछ वर्ड्स है और वह वर्ड्स आपको क्लासिफाई करने हैं. जैसे कि क्लासिफिकेशन पर आधारित यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग बाय पुटिंग देम इन द राइट कॉलम. जैसे कि यहाँ पर कुछ नीचे नेम्स दिए हैं जिनको आपको राइट कॉलम में क्लासिफाई करना है. जैसे कि नेम कौन कौन से है देखो बच्चों, वीट, ब्रिंजल, रेडिश, मैंगो, रोज, राइस, टोमेटो, लोटस, मिल्ट, एप्पल, लिली, मेज, ग्रीन पीस, गवा, जास्मिन, देन पोमग्रेनेट. जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सीरियल्स के नाम आपको दिए हैं और आपको क्या करना है. जैसे कि देखो बच्चों, नीचे 4 कॉलम्स दिए हैं और उसमें से पहला कॉलम है फ्लावर्स, देन वेजिटेबल्स, देन फ्रूट्स एंड सीरियल्स. जैसे कि जो भी कुछ अभी हमने नेम्स रीड किए उनमें से आपको क्लासीफाई करना है. पहले फ्लावर्स के नेम कौन कौन से है, वेजिटेबल्स के नाम कौन कौन से है, फ्रूट्स के नाम कौन कौन से है और सीरियल्स के नाम कौन कौन से है, वह क्लासिफाई करना है. जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर अभी मैंने क्लासिफाई करके आंसर्स लिखे हुए हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि देखो बच्चों, फ्लावर्स, अभी फ्लावर्स में कौन कौन से फ्लावर्स आते हैं, लोटस, लिली, जैस्मिन एंड रोज. देन सेकेंड कॉलम दिया है आपको वेजिटेबल्स का, अभी वेजिटेबल्स में कौन कौन से वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि ब्रिंजल, रेडिश, टोमेटो एंड ग्रीन पीस, दीज आर 4 वेजिटेबल्स नेम. देन कुछ फ्रूट्स के नेम्स है, जैसे कि देखो बच्चों, फ्रूट्स में जैसे कि एप्पल, गवा, पोमग्रेनेट और मैंगो, यह फ्रूट्स के नेम आपको यहाँ पर लिखना है. देन सीरियल्स, अभी सीरियल्स मीन्स क्या, कड़धान्य जिसे बोलते हैं. अभी सीरियल्स में कौन कौन से आते हैं सीरियल्स, देखो वीट, मिल्ट, मेज और राइस. अभी मीट मीन्स सॉरी वीट मीन्स आपको पता है गेहूँ. मिल्ट किसे कहते हैं, बाजरी को. मेज, अभी मेज मीन्स मक्का और राइस मीन्स चावल. ये कुछ सीरियल्स के नाम थे. अभी देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है, पुट द फॉलोइंग इन द राइट कॉलम टू शो विच पीपल जनरली यूज देम. जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, आपको कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं और वह वस्तुएं कौन कौन यूज करता है. जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ व्यावसायिकों के नाम दिए हैं. जैसे कि पहला दिया है फार्मर्स, देन कारपेंटर, टेलर और डॉक्टर. ऐसे 4 बिजनेसमैन के मतलब व्यवसायियों के यहाँ पर आपको नेम्स दिए हैं और उनमें से आपको अभी लिखना है. जैसे कि सॉ, सीविंग मशीन, प्लग, स्टेथोस्कोप, हैमर, सिकल, सीजर्स, सिरिंज, ट्रैक्टर, प्लेन, थर्मोमीटर और थिम्बल. यह जो कुछ वस्तुएं है वह कौन कौन यूज करता है. जैसे कि फार्मर्स जो है वह इनमें से कौन सी वस्तुएं यूज करता है, देन कारपेंटर, टेलर और डॉक्टर, यह कौन कौन से वस्तुएं इनमें से यूज करते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर राइट बॉक्स में लिखने हैं. जैसे कि देखो बच्चों, फार्मर के नीचे आपको एक बॉक्स दिया है, वह कौन कौन से डिवाइसेस या वस्तुएं यूज करता है, देन कारपेंटर, टेलर और डॉक्टर. जैसे कि देखो बच्चों, अभी यहाँ पर मैंने जो वस्तुओं के नाम है वह कौन यूज करता है, जैसे कि फार्मर्स कौन कौन से वस्तुएं यूज करता है, जैसे कि ट्रैक्टर, प्लग एंड सिकल, यह वह यूज करता है. जैसे कि ट्रैक्टर आपको पता ही है. अभी प्लग मीन्स क्या,
जो नांगर जो होता है, हल जो होता है उसको प्लग कहते हैं, और सिकल, सिकल मीन्स क्या, जो वीड़ा होता है ना किसान के पास उसे कहते हैं सिकल। अभी यह फार्मर्स यूज करता है। अभी कारपेंटर कौन कौन सी इसमें से वस्तुएं यूज करता है, जैसे कि सॉ। अभी सॉ मतलब क्या, आरी, जिसे करवत बोलते हैं। देन प्लेन, अभी प्लेन मीन्स क्या होता है, जो कारपेंटर रंधा मारने के लिए लकड़ी पर जो हथियार यूज करता है, जो वस्तु यूज करता है उसे कहते हैं प्लेन। देन तीसरी वस्तु यहाँ पर लिखी है हमने हैमर। अभी हैमर मीन्स क्या, हथौड़ा, जो कि वस्तुओं में जैसे कि लकड़ी में कील मारने के लिए कारपेंटर को काम में आता है। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट हमें दिया है व्यावसायिक टेलर। अभी टेलर कौन कौन सी वस्तुएं इसमें से यूज करता है, जैसे कि यहाँ पर बॉक्स में दी हुई है उसमें से मैंने सॉर्ट आउट करके यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं। अभी टेलर कौन कौन से वस्तुएं यूज करता है इनमें से, जैसे कि देखो थिम्बल। थिम्बल मीन्स क्या, जो डिजाइन बनाने के लिए काम में आने वाला मटेरियल होता है उसे कहते हैं थिम्बल। देन सीविंग मशीन, जो सिलाई की जो मशीन होती है वह टेलर यूज करता है। देन सीजर्स, भी सीजर्स मीन्स क्या, कैंची। भी कैंची किस काम में आती है टेलर को, यस, जो कपड़ा होता है, जो वह कपड़ा काटने के लिए उस टेलर को सीजर्स का काम गिरता है। देन देखो बच्चों, यहाँ पर चौथा व्यावसायिक दिया है डॉक्टर। भी डॉक्टर कौन कौन से इनमें से इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, जैसे कि थर्मोमीटर, देन स्टेथोस्कोप और सिरिंज। यह जो इंस्ट्रूमेंट है वह डॉक्टर यूज करता है, कौन कौन से, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, देन सिरिंज। देन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है और उसमें आपको पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग बाय पुटिंग देम इन द राइट कॉलम। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए हैं, जैसे कि पैन, स्पून, लैडल, फॉर्क, कप, चाइना डिश, सॉसर, जग, नाइफ, सीजर्स, मेटल जार एंड प्लेट। यह कुछ वस्तुएं दी है और उनमें से आपको क्लासीफाई करना है, जैसे कि क्रॉकरी में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, देन कटलरी में कौन कौन सी वस्तु आती है और यूटेंसिल्स में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, वह आपको क्लासीफाई करना है। जैसे कि देखो बच्चों, अभी क्रॉकरी मीन्स क्या, जो मट्टी के बर्तन होते हैं ना बच्चों, उस मट्टी के बर्तनों को क्रॉकरी बोलते हैं। देन दिया है कटलरी। अभी कटलरी मतलब क्या, जो घर के काम में यूज किए जाने वाली वस्तुएं जो होती है उन्हें कहा गया है कटलरी। देन तीसरा दिया है यहाँ पर यूटेंसिल्स। अभी यूटेंसिल्स क्या होता है, किचन के काम में जो आप बर्तन इस्तेमाल करते हो उनको यूटेंसिल्स कहा गया है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि क्रॉकरी में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, कटलरी में और यूटेंसिल्स में, अभी वह अभी हम पढ़ेंगे। जैसे कि क्रॉकरी में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, चाइना डिश, सॉसर, कप और पैन, यह क्रॉकरी में वस्तुएं आती है। देन कटलरी में कौन कौन सी वस्तुएं आती है, देखो सीजर्स, स्पून, लैडल और फॉर्क। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको ये दो वर्ड थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, है ना बच्चों, तो देखो बच्चों, लैडल, लैडल का मतलब होता है जो चम्मच, जिसको पड़ी पड़ी बोलते हैं, जो बड़ा सा चम्मच होता है ना उसको लैडल कहते हैं। और फॉर्क, फॉर्क मतलब क्या होता है बच्चों, जो काटे चम्मच होता है ना उसको फॉर्क कहते हैं। देन यूटेंसिल्स में अभी यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं आई है, देखो जैसे कि जग, नाइफ, मेटल जार एंड प्लेट, दीज आर यूटेंसिल्स। ओके देन स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 43 एंड लुक ऑन इट। देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन बिलो आर द व्हीकल्स विच मूव आइदर ऑन लैंड और इन वाटर और इन एयर, पुट देम इन देयर प्रॉपर कॉलम। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वस्तुएं दी है, डिवाइसेस दिए हैं, व्हीकल्स दिए हैं, जो कि जमीन पर चलने वाले, पानी में चलने वाले और हवा में चलने वाले व्हीकल्स को आपको क्लासीफाई करना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर आपको व्हीकल्स दिए हैं, बोट, एयरबस, ट्रेन, एरोप्लेन, सबमरीन, देन बुलक कार्ट, देन शिप, ग्लाइडर, बाइसिकल, स्टीमर, हेलीकॉप्टर और कार, यह व्हीकल्स दिए हैं। अभी इनमें से आपको जमीन पर चलने वाले, पानी पर चलने वाले और हवा में चलने वाले कौन कौन से व्हीकल्स है,
वह आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो बच्चों, अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं, जैसे कि जमीन पर चलने वाले व्हीकल्स, जैसे कि बुलक कार्ट, बाइसिकल, ट्रेन और कार, यह जमीन पर चलते हैं। देन वाटर वाटर पर चलने वाले, पानी पर चलने वाले बोट, जैसे कि जहाज। देन सबमरीन, अभी सबमरीन किसे कहते हैं, पनडुब्बी जो होती है उसको सबमरीन कहते हैं। देन तीसरा है स्टीमर, अभी स्टीमर कैसे किसे कहते हैं, जो वाफ पर भाप पर जो जहाज चलता है उसे कहते हैं स्टीमर। और चौथा है SHIP शिप, शिप मीन्स बड़ा सा जहाज, ठीक है, यह पानी में चलने वाले कुछ व्हीकल्स है। देन हवा में चलने वाले, अभी हवा में चलने वाले कौन कौन से व्हीकल्स है, जैसे कि हेलीकॉप्टर, एयरबस, एरोप्लेन और ग्लाइडर, यह हवा में चलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है पुट द फॉलोइंग इन द राइट कॉलम, जैसे कि आपको कुछ नेम्स दिए हैं, जो कि आपको रिवर्स कौन कौन से है, माउंटेन्स कौन कौन से है और सिटीज के नेम कौन कौन से है, वह आपको क्लासीफाई करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर बॉक्स में कौन कौन से नेम दिए हैं, जैसे कि हिमालयाज, बैंगलोर, कावेरी, चंडीगढ़, नीलगिरी, सतलज, सह्याद्री, गंगा, श्रीनगर, सातपुरा, नागपुर और कृष्णा, ऐसे कुछ नेम्स दिए हैं। उन इन नेम्स में से बच्चों आपको रिवर्स कौन कौन से है, माउंटेन्स कौन कौन से है और सिटीज के नेम कौन कौन से है, वह आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि रिवर्स में कौन कौन से नेम्स आते हैं, कावेरी, गंगा, कृष्णा और सतलज, यह रिवर्स के नेम से। देन माउंटेन्स के नेम कौन कौन से है देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हिमालयाज, सह्याद्री, सातपुरा और नीलगिरी, यह पर्वतों के नाम है। देन सिटीज, अभी बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनको सिटीज कहा गया है। अभी सिटीज कौन कौन से हैं, जैसे कि श्रीनगर, नागपुर, बैंगलोर और चंडीगढ़, यह सिटीज के नेम से। देन देखो बच्चों, पेज नंबर 43 पर ही आपको और कुछ एक्सरसाइज दी है, और देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, जैसे कि देखो, पुट द फॉलोइंग इन द राइट कॉलम टू शो वेयर यू यूजुअली फाइंड देम, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ नेम्स दिए हैं और वह थिंग्स आपको यूजुअली मतलब आमतौर पर कहाँ पर मिलते हैं, वह आपको लिखना है। जैसे कि देखो बच्चों, म्यूजियम, अभी म्यूजियम किसे कहते हैं, संग्रहालय को, जहाँ पर वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उसे कहते हैं संग्रहालय। देन लाइब्रेरी, अभी लाइब्रेरी किसे कहते हैं, ग्रंथालय, जहाँ पर बुक्स वगैरह होते हैं, है ना। देन तीसरा दिया है जू, जू मीन्स क्या, प्राणी संग्रहालय। अभी देखो बच्चों, इनमें से आपको यह जो हमने नेम अभी पढ़े उनमें से आपको म्यूजियम में कौन कौन से यहाँ पर नेम्स आते हैं, लाइब्रेरी में कौन कौन से थिंग्स आते हैं और जू में कौन कौन से एनिमल्स के नेम आते हैं, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि देखो बच्चों, यहाँ पर म्यूजियम में आने वाले थिंग्स, जैसे कि स्टैचूज, जो मूर्तियाँ होती है वह म्यूजियम में रखी जाती है। देन ओल्ड आर्म सोर्स, जो पुरानी वस्तुएं होती है वह यहाँ पर संग्रहालय में जतन की जाती है। देन तीसरा है स्टफ एनिमल्स, अभी स्टफ एनिमल्स मीन्स क्या, जो मरे हुए प्राणी होते हैं वह यहाँ पर रखे जाते हैं। अभी देखो बच्चों, लाइब्रेरी, अभी लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, जैसे कि मैगजीन्स, देन बुक्स और न्यूज़पेपर्स। देन जू में कौन कौन से एनिमल होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, बियर और टाइगर। इस प्रकार आपको यहाँ पर म्यूजियम में आने वाले थिंग्स, लाइब्रेरी में आने वाले थिंग्स और जू में आने वाले एनिमल्स, ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा 20 नंबर का लेसन क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपको इस प्रकार इस लेसन में दिए गए आंसर जो है वह आपको आपकी जनरल नॉलेज की वर्कबुक में गुड हैंडराइटिंग में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।